हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। काजू मसाला रेसिपी बनाने के लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1/4 कप काजू। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और इसे हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप काजू और इसे हम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। काजू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन स्पॉट्स भी आ गए हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट, हम सेम पैन में घी है और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज पत्ता और 3 हरी इलायची। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये तीखी वाली है इसलिए हिसाब से डालें। नेक्स्ट, हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया जीरा पाउडर। इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून पानी ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, स्वाद अनुसार नमक और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटरों को 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड ओपन कर लेंगे। बीच बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार जला भी लिया था। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज और काजू का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड ओपन कर लेंगे। ये अच्छे से पक चुका है, इसमें से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। मैंने इसे 2 से 3 बार बीच बीच में चला लिया था, क्योंकि इसमें काजू है जिससे चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून बटर और ये फ्राइड किए हुए काजू, 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई। आप चाहें तो क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, मुझे थिक ग्रेवी चाहिए थी इसलिए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए खुले में पका लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना फ्राइड काजू सॉफ्ट हो जाएंगे और उनमें क्रंच नहीं रहेगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए हरा धनिया, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू मसाला रेसिपी बनकर हमारा तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।